आपके साथ शेयर करने वाली है एक बढ़िया सी बैंगन की सब्जी। इसे भरवा बैंगन भी कह सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको बैंगन की ज़रूरत होगी, थोड़े ब्लैक ब्लैक कलर के बैंगन हैं। गार्लिक का पेस्ट बना लेंगे। अब हमें लेने हैं 5 बड़े प्याज, 3 बड़े टमाटर और 2 हरी मिर्च। अब सबसे पहले हम बैंगन पर कट लगाएंगे, इस तरीके से 1, इस तरीके से 2। इसके आपको 4 पार्ट कर लेने हैं। इसे पूरा नहीं लेके आना नीचे तक, बस हाफ कट करना है इसको ऐसे। देखिए इस तरह से ये कट हो जाएंगे। इस तरीके से हमने सारे कट कर लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई में हमें डालना है ऑयल। ऑयल आपको थोड़ा ज़्यादा ही डालना होगा ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। तेल गर्म होने पर हम इन्हें फ्राई करेंगे इसे। देखिए कुछ इस तरह से। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलो देखिए फ्राई हो चुके हैं। इनको हल्का हल्का साइड से पलट देंगे। जब आपको लगे कि थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। देखिए चलो अभी इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। अच्छे से इसका तेल निकाल कर फिर निकालेंगे। देखिए इस तरीके से उधर रखेंगे जैसे कि क्या हुआ, तेल निकल जाएगा। आप कुर्सी की मदद से भी इसे निकाल सकते हैं। अब उसी ऑयल में हमें थोड़ा सा ऑयल निकाल देना है और बाकी ऑयल में हम डालेंगे जीरा और धनिया। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे राई। राई से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अच्छे से हिलाएंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारे प्याज। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, हिलाएंगे, थोड़े क्रंची क्रंची हो जाएंगे तब। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक का पेस्ट। अब इसमें ऐड करते हैं हम हरी मिर्च। अच्छे से मिक्स करें। फिर थोड़ी देर बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से पकाएं। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले जो होते हैं आपको डेली सब्जी में आप डालते हो वही आपको उसके अकॉर्डिंग ही डालने हैं, स्वाद अनुसार। नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्का सा गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे अच्छे से पकाएंगे। जब मसाले थोड़े पक जाए तब इसे हम बंद कर देंगे। देखिए मसाले अब पक चुके हैं। अब सब्जी हमारी तैयार है। अभी हम उतार लेंगे और इन बैंगन में हम इसको भरेंगे स्पून की मदद से, इस तरीके से। इसको हल्का सा खोलिए और इसमें ये मसाला भर दीजिए। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, दिखाई देने में बहुत ही यम्मी दिख रहा है। एक बार आप ऐसी सब्जी बनाकर तो देखिए। इस तरीके से हम सभी बैंगनों में ये भर देंगे मसाला। सब्जी तो हम डेली बनाते ही हैं लेकिन कभी कुछ खास भी बनाना चाहिए। और जब इसे आप सर्व करें तब इस मसाले को इसके अंदर अच्छे से भरकर सर्व करें। थैंक यू।